हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कोलकाता की फेमस चिकन बिरयानी की रेसिपी। अगर आप कोलकाता की बिरयानी खाए हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि कोलकाता की बिरयानी बहुत ही लाइट और टेस्टी होती है। तो आज हम घर पर ही बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्टी कोलकाता बिरयानी। पहले हम 2 कप बिरयानी राइस को अच्छे से वॉश करके सोख होने के लिए 2 घंटा छोड़ देंगे। थोड़े से खड़े बिरयानी मसालों को हम ड्राई रोस्ट करके उसका एक पाउडर बना लेंगे। अदरक, लहसुन और लाल मिर्च को मिला के एक पेस्ट बना लेंगे। अब एक पैन में हम डाल देंगे तेल, उसमें डाल देंगे बड़े बड़े कटे हुए आलू। थोड़ा सा नमक मिला के आलू को गोल्डन होने तक हम थोड़ा सा उसको फ्राई कर लेंगे। आलू जब हल्का गोल्डन कलर का हो जाए तब हम उसमें डाल देंगे करीब 1 ग्लास पानी। अब हम इसमें एक एक करके मसाला ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, हमारा बनाया हुआ अदरक लहसुन लाल मिर्च का पेस्ट, हमारा बनाया हुआ बिरयानी मसाला। इसमें हम डालेंगे करीब 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर। अब इसे हम आलू अच्छे से पकने तक कुक कर लेंगे। आलू जब अच्छे से पक जाए तब हम ग्रेवी से आलू को अलग कर लेंगे और इस ग्रेवी को भी हम अलग से रख देंगे बाद में यूज़ करने के लिए। मैंने यहाँ आलू को थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, आप इसे बिना फ्राई किए भी यूज़ कर सकते हैं। 2 घंटे बाद हमारा चावल अच्छे से फूल चुका है, इसे हम एक नेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि इसका एक्सेस वाटर निकल जाए। चिकन को पकाने के लिए मैंने यहाँ 2 बड़े साइज़ के प्याज को स्लाइस कर लिया है। यहाँ मैंने एक पैन को गर्म करके उसमें करीब 2 से 3 टेबलस्पून सरसों का तेल ले लिया है। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद उसमें हम हमारा स्लाइस किया हुआ अनियन डाल देंगे। अनियन को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। अभी हम इसे प्याज में धो के साफ किया हुआ चिकन डाल देंगे। मैंने यहाँ चिकन लेग पीसेस यूज़ किए हैं, आप अपने पसंदीदा पीसेस यूज़ कर सकते हैं। इसे हम प्याज के साथ अच्छे से मिला लेंगे और 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हम इसमें हमारा बनाया हुआ अदरक लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। डाल देंगे हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, साथ ही में डाल देंगे हमारा आलू को पकाया हुआ ग्रेवी। इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। इसमें हम डाल देंगे करीब 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर और इसको कवर करके हम चिकन को अच्छे से पका लेंगे। अभी हम चलते हैं चावल पकाने की तरफ, जिसके लिए मैंने यहाँ पानी गर्म बिठा दिया है। यहाँ मैंने कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं जिसको इस उबलते पानी में डाल दूंगी। साथ ही मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून सॉल्ट। पानी अच्छे से उबल चुका है, अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून केवड़ा वाटर और डालूंगी 1 टीस्पून हमारा प्रिपेयर किया हुआ बिरयानी मसाला। सारे मसाले पानी में अच्छे से अब्सॉर्ब हो चुका है, अब हम हमारा भिगाया हुआ चावल इसमें डाल देंगे। हमारा चावल हल्का सा पक चुका है, अभी हम इसमें से कुछ खड़े मसाले जैसे कि तेज पत्ता, इलायची, स्टार अनिस को निकाल लेंगे। आप चाहे तो चावल डालने से पहले भी पानी से इन सबको अलग कर सकते हैं। ये सबको निकालते निकालते हमारा चावल करीब 80% कुक हो चुका है। अभी हम पानी से चावल को अलग कर लेंगे। जब आप पानी से चावल को छानेंगे तब ध्यान रखिए चावल थोड़ा सा टाइट रहना चाहिए, वरना दम लगाते टाइम आपका चावल बिल्कुल ही गल जाएगा। मैंने यहाँ 3 टेबलस्पून करीब दूध ले लिया है, उसमें हम डाल देंगे चुटकी भर केसर, उसमें हम डाल देंगे 2 ड्रॉप्स मीठा अतर, करीब 1/2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला, 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर। इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। इसी बीच हमारा चिकन भी अच्छे से पक चुका है, तो अभी हम चलते हैं दम लगाने की प्रिपेयर करने। मैं बिरयानी राइस कुकर में बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी तला मोटा वाला बर्तन यूज़ कर सकते हैं। कोलकाता बिरयानी में आलू मस्ट होती है, तो सबसे पहले हम आलू को अच्छे से नीचे की लेयर में सजा लेंगे। उसके ऊपर हम 1 लेयर राइस की चारों तरफ फैला के अच्छे से डाल देंगे। नेक्स्ट लेयर में हम डालेंगे चिकन पीसेस। हमने पहले से ही अंडा बॉयल करके छील के रखा था, तो उसे भी हम इसके बीच बीच में सजा के रख देंगे।
ऊपर से हम डाल देंगे बची हुई चिकन की ग्रेवी। इसके ऊपर हम वापस चावल की लेयरिंग करेंगे और अच्छे से इन सब को कवर कर देंगे। प्याज को फ्राई करते टाइम हमने बरिस्ता निकाल के रखा था, जिसे हम चावल के ऊपर से डाल देंगे। हमारी केसर भी अच्छे से घुल चुकी है दूध के साथ, तो इसे भी हम धीरे धीरे करके चावल के ऊपर से डाल देंगे। अभी हम राइस कुकर की ढक्कन लगा देंगे और चलेंगे दम बैठाने की तरफ। यहाँ मैंने एक आयरन पैन को 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है। राइस कुकर को हम पैन के ऊपर रख देंगे और उसके ऊपर कुछ वजनदार रख देंगे ताकि हमारा भाप बाहर ना आ पाए। करीब 15 से 20 मिनट इसे लो फ्लेम पे दम लगाने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद हम इसका कवर निकालेंगे। आप देख सकते हैं हमारा बिरयानी बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं हमारी बिरयानी का चावल बिल्कुल खिला खिला बना है। तो आप भी इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, और जब भी आप बिरयानी बना रहे हो उसमें मीठा अतर का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। इससे आपकी बिरयानी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है। हमारी बिरयानी बनके बिल्कुल रेडी है। अभी हम चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।